एमपी के डिंडौरी जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां अंतिम संस्कार के वक्त भी जब परिवार वालों ने मुंह मोड़ लिया, तब कुछ स्थानीय लोगों की मदद से 10 साल की लड़की ने अपनी बहन का अंतिम संस्कार किया। दिल को झकझोर देने वाली ये घटना डिंडौरी की है, जहां एक प्रतिष्ठित परिवार ने अंतरजातीय विवाह एवं प्रॉपर्टी के चलते अपनी बहू और उसके बच्चे से काफी पहले ही रिश्ता तोड़ लिया था। लेकिन जब पूजा सोनी जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही थी और अब जब उसकी मौत हो चुकी है, तब भी उस प्रतिष्ठित परिवार के किसी भी सदस्यों का दिल नहीं पसीजा और मदद करना तो दूर, कोई उसे देखने तक नहीं पहुंचा। दरअसल प्रदीप व अलका ने अंतर जातीय विवाह किया था, जिसकी 4 संतानें थीं। प्रदीप की मौत करीब 10 वर्ष पहले हो चुकी है एवं आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक एक कर 3 संतानों की भी मौत हो गई। अलका मेहनत मजदूरी कर किसी तरह अपना व अपनी बेटियों का भरण पोषण कर रही थी। करीब 1 साल पहले अलका ने अपनी बेटी पूजा की शादी की थी, लेकिन उसके पति ने भी पूजा को छोड़ दिया। तब से पूजा अपनी माँ अलका व बहन प्रीति के साथ रह रही थी। पिछले कुछ दिनों से पूजा बीमार थी। बीती शाम इलाज के दौरान पूजा की मौत हो गई। उस वक्त भी अलका ने अपने ससुराल वालों से मदद मांगी, लेकिन परिवार के लोग उसे देखने तक नहीं पहुँचे। हम मतलब दूसरों से किराए के मकान में रहे थे, दूसरों से ले लेके अपना घर चला रहे थे। उसी में हमारी बहन बीमार थी, कल हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया, जिससे उनकी डेथ हो गई। परिवार की तरफ से कोई नहीं आया, कोई भी किसी ने भी सहयोग नहीं किया। मिनाल की तरफ से वो लोग भी नहीं आए, वो तो काफी दूर रहते भोपाल में, जिस वजह से वो आ नहीं सकते। सिस्टर की शादी हो गई थी? जी हाँ, उनकी शादी हो गई थी, लेकिन उनके ससुराल वालों ने भी साथ नहीं दिया। और कौन कौन? परिवार में कोई नहीं है, 3 2 ही बच्ची थी और हम ससुराल के बहुत सारे, उनके पापा लोग 11 भाई थे। कोई आया आपके यहाँ? कोई नहीं आया, उनको बुलाए थे कल अस्पताल में, लेकिन कोई नहीं आया। क्यों नहीं आ रहे? वो नहीं देना चाहते, कह रहे बंटवारा नहीं देना चाहते, इसलिए। आप मतलब दूसरी जाति की शादी? हाँ, हमने शादी दूसरी जात के थे हम, इसलिए। तो अलग रहते थे आप लोग? हाँ, किराए से रहते थे, किराए खुद का मकान था। जब गिर गया मकान, तो उनके पापा खत्म हो गए थे मकान गिरने के पहले, बाद में खत्म हो गए थे। फिर किराए से इन लोग ने बनाने नहीं दिया घर, फिर वहाँ चले गए भोपाल। भोपाल में भी ऐसे परेशान होते रहे, तो सोचे बच्ची बीमार हो जाती थी बार बार, इसलिए उसकी शादी कर दिए। तो ससुराल वालों ने भी कोई हेल्प नहीं करी, 3 ही महीने में उसको इतने सारे रोग दे दिए। ये सोनी जो है आज से 10-12 साल पहले हमारे यहाँ ऑफिस में काम करते थे, फिर किसी बीमारी पे वो 10 साल पहले उनकी मौत हो गई। अब उनके 2 बेटियाँ और पत्नी बची है, और इनके प्रदीप सोनी के 11 भाई थे। आज कल जो मौत हुई, उसकी जानकारी उसकी बिटिया ने दी हमको, और उससे जानकारी लगी कि कोई भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने हॉस्पिटल से उसको घर पहुंचाने को डेड बॉडी की व्यवस्था की, और आज नगर के अपने सारे पत्रकार जनों के सहयोग से यहाँ अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई। साथ में पुरानी डिंडोरी पे जो राठौर समाज है, वहाँ के सामाजिक सेवक थे, आस पड़ोस के थे, उनके सहयोग से आज इनकी अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई। बता दें कि अलका के मरे हुए पति के 11 भाई हैं और उनके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, जिसमें उनके पति प्रदीप का भी हिस्सा है, लेकिन अंतर जातीय विवाह का हवाला देकर उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए डिंडौरी से दीपू सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।